हरे कृष्णा। आज हम श्री वृंदावन धाम में आपका स्वागत करते हैं। आज हम वृंदावन महिमा व्रत के इस ग्रंथ से आपको कुछ तथ्यों का बताएंगे। जो ये ग्रंथ है श्री प्रबोधन सरस्वती द्वारा लिखित है। ये ग्रंथ इसमें वृंदावन की महिमा के बारे में बताया गया है। वृंदावन क्या है और उसमें इसका किस प्रकार उन्होंने वर्णन किया, क्या इसकी महिमा है, वो इसके बारे में इसको बताते हैं। तो वो कहते हैं, वृंदा आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधू वर्गे नया कल्पिता। यहाँ के वृक्षों के बारे में, यहाँ की जमुना के बारे में, यहाँ की गऊओं के बारे में, यहाँ के ब्रजवासियों के बारे में श्रीपाद जी लिखते हैं कि कितना महान है। अगर किसी के पास कोई साधन ना भी हो सके तो अगर वो श्री वृंदावन धाम का आश्रय लेकर भी रहे तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है। सिर्फ एक मत आश्रय लेने के, अब यहाँ पर अगर साधन तो करना है लेकिन अगर किसी कारणवश अगर कोई साधन नहीं भी बन सकता है, केवल रहने मात्र से वो मुक्ति का अधिकारी होता है। मुक्ति मतलब भगवान की भक्ति का अधिकारी बनता है। तो ये श्री वृंदावन धाम भगवान का घर है और भगवान का घर, घर के इस संदर्भ में एक कथा आती है पुराणों में। एक बार प्रयाग को भगवान श्री कृष्ण सभी तीर्थों का राजा बनाया, तो सभी तीर्थ प्रयाग की सभा में आते थे हाजिरी लगाने के लिए। लेकिन एक बार नारद जी आए तो नारद जी ने प्रयाग को पूछा कि आप क्या सभी तीर्थों के राजा हैं? तो वो बोले कि हाँ, मैं तो भगवान ने मुझे सारे तीर्थों का राजा बनाया है। तो बोले मैं नहीं मानता। बोले क्यों? क्योंकि देखो ना, तुम्हारा राज्य में, हमारी सभा में कभी वृंदावन तो कभी आया नहीं, वो तो कभी हाजिरी लगाने के लिए आया नहीं, तो तुम अपने आप को राजा कैसे कह सकते हो? तो बोलते ये बात भी ठीक है। तो भगवान को पूछता है प्रयाग कि आपने मुझे सभी तीर्थों का राजा बनाया है लेकिन ये वृंदावन कभी मेरी सभा में नहीं आया। ये तो भगवान थोड़ा क्रोधित होकर बोलते हैं कि वृंदावन मेरा घर है, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा नहीं बनाया। घर का जो राजा होता है वो स्वयं पुरुष भी नहीं होता, स्त्री होता है। इसलिए इसकी जो अधिष्ठात्री देवी है ब्रजेश्वरी है। यहाँ जो जिसका राज्य चलता है वो ब्रजेश्वरी श्रीमती राधा रानी का राज्य चलता है। ये जो वृंदावन धाम है, एक समय तुलसी महारानी ने वृंदा के वृक्षों से पूरा आच्छादित था। ये गोलोक वृंदावन और यह भौमे वृंदावन में देखने मात्र से फर्क लग सकता है लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे हम देखते हैं, जब स्वयं श्री कृष्ण इस धरा पर लीला करने के लिए अवतीर्ण होने वाले थे तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी को भी अनुग्रह किया कि वो भी इस धरती पर आए। तो श्रीमती राधा रानी बोली कि नहीं, इस धरती पर तो वृंदावन नहीं है और गंगा नहीं, जमुना नहीं है, श्री गिरिराज गोवर्धन नहीं है, गौए नहीं है, तो इस धरती पर मैं नहीं जा सकती। तो भगवान ने उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए इस धाम, इस घरा पर ही श्री वृंदावन धाम का प्राकट कराया। जब भगवान लीला करते हैं तो अपने धाम को और अपने पार्षदों को स्वयं लेकर आते हैं। स्व पार्षद स्व धाम सह होते हैं। भगवान जो लीला करते हैं कोई साधारण व्यक्ति के साथ नहीं करते, वो अपने ही पार्षदों के साथ करते हैं और अपने ही धाम में करते हैं। ये भगवान के धाम का महिमा है कि वृंदावन धाम वो पावन भूमि है कि अगर वृंदावन धाम में सारे तीर्थों में अगर भ्रमण किया जाए, सब तीर्थों की यात्रा की जाए तो जो फल मिलेगा केवल वृंदावन धाम का दर्शन मात्र करने से वो फल प्राप्त होता है। और इसका भूमि का इतना फल है कि स्पर्श करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इस रज की इतनी महिमा है, इस ये जो रज है रमणीय स्थान है ये बहुत, इसलिए इसको वृंदावन रमणीय स्थान बोलते हैं क्योंकि इसके ठाकुर जी का नाम भी है श्री राधा रमण जी।